हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सो सॉरी यार, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, क्योंकि यार वो जो मैं कंटेंट बना रहा था वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा था। अगर मैं वो वीडियोज़ बना रहा था तो मैं सिर्फ वो वीडियोज़ ही बना पा रहा था पूरे दिन में, उसके अलावा मैं कुछ और काम नहीं कर पा रहा। अब मैं कुछ ऐसी नई टेक्निक के साथ आया हूँ जिसके साथ मैं कॉन्टेंट भी क्रिएट कर पाऊंगा और मैं बाकी दिन का काम भी कर पाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो थोड़े दिन पहले मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरे को व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो किस तरह की व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज फाइंड करी कि मोटर व्लॉगिंग करते हैं लोग लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हैं, जैसे मुंबई का निखिल हो गया। पर मैंने सोचा कि यार एक नया नीच क्रिएट करते हैं अपना, और जिस चीज़ में मेरे को दिक्कत है और लोगों को भी दिक्कत है वो स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैंने सोचा है कि मैं करूँगा डिसिप्लिन व्लॉगिंग। जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो ये है कि यार लोग डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें दिन में ये चीज़ें करनी है, पर वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो कभी भी एक चीज़ को 30 दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि यार मैं एक कोई अपना एक गोल डिसाइड करता हूँ और उसको 30 दिन तक फॉलो करता हूँ, और ये प्रूव करता हूँ कि यार ये मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए अपन को, ये सोचने के बाद कि यार मेरे से अचीव नहीं हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ कि बचपन से मेरे में एक ही दिक्कत रही है कि मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूँ किसी भी एक चीज़ को लेके। तो अगर बचपन में ट्यूशन जाने की बात रही हो तो यार मैं कभी भी 30 दिन तक रेगुलर बिना छुट्टी लिए ट्यूशन नहीं जा पाया हूँ, ना स्कूल जा पाया हूँ। तो मैं डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मेरे में एक प्रॉब्लम है और लोगों में भी ये प्रॉब्लम है। तो लेट्स ट्राई, एक और मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट ही है। तो चलो गाइस, मैं तुमको अपना शेड्यूल बता देता हूँ कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है मेरे को एक दिन में। तो गाइस ये है मेरा शेड्यूल। सबसे पहले उठ के मेरे को जो दिन में बाकी चीज़ें इसको छोड़ के करनी है उसकी टू डू लिस्ट बनानी है। फिर मेरे को मेडिटेशन करना है, रीडिंग, वर्कआउट, मेरा मॉर्निंग रूटीन मेरे को फॉलो करना है, मेरे को मेरी डिटॉक्स ड्रिंक पीनी है, डिजिटल मार्केटिंग 1 घंटा सीखना है, स्टार्टअप के बारे में 1 घंटा सीखना है, कोर्सेज जो मैं अभी करेंटली कर रहा हूँ वो मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नींद लेनी है 8 घंटे की, और आखिर में इन सब को व्लॉग करके मेरे को आखिरी के 1 घंटे वीडियो एडिटिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने एक टू डू लिस्ट का सेक्शन छोड़ रखा है अपने व्हाइट बोर्ड में, ताकि जब भी मैं उठूँ तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेन डंप कर सकूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ और बातें लिख रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि स्टार्टिंग के जो 3 दिन होंगे वो मैं टेस्ट करने वाला हूँ मेरा ये जो शेड्यूल है, क्योंकि होता ही है यार कि अपन प्लान तो कर लेते हैं बहुत अच्छे से पर उसको कभी टेस्ट नहीं करते हैं, और ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरा इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो मैं स्टार्टिंग के 3 दिन टेस्ट करने वाला हूँ और मैं वापस इस शेड्यूल को मॉडिफाई करूंगा, और उसके बाद स्टार्ट होगा अपना 30-day डिसिप्लिन चैलेंज। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिख रखी है, 4 दिन लिख रखे हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं अपने स्ट्रीक कैसे मेंटेन करने वाला हूँ। तो एक तो तरीका ये होता है कि मैं स्नैपचैट के जैसे स्ट्रीक मेंटेन करूँ कि एक भी दिन अगर मिस हुआ तो वापस टू day 1। पर यार इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्टूपिड आइडिया होगा वो कि मैं इतना सारा कर रहा हूँ और वापस अगर मान लो मैं 20 दिन 21 दिन तक पहुँचा और उसके बाद अगर 1 दिन मिस हो गया किसी दूसरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण तो वापस से day 1 से स्टार्ट करूँ। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रीक का तरीका डिसाइड करा है। और दूसरा तरीका ये है जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये 4 दिन लिख रखे हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने 14th day तक अच्छे से स्ट्रीक फॉलो करी, पर 15th day मैं मिस कर देता हूँ, तो ये जो मैंने मिस करा, ये जो मेरा लॉस हुआ है, इसको रिकवर करने के लिए मेरे को 2 दिन लगेंगे। और ये 2 दिन अगर मैंने फॉलो कर लिया तो जाके मैं day 14 पे जो था वो मैं वापस बन पाऊंगा। हो सकता है ये सब जो भी बातें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी वो तुम्हारे ऊपर से गई हो, क्योंकि यार तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स माय फॉल्ट, आई एम सो बैड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो अगर मैं एक और ट्राई दूँ एक कोट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की, और वो कोट ये है कि इफ यू टेक 1 day ऑफ फ्रॉम योर प्रैक्टिस इट टेक्स 2 days टू गेट बैक वेर यू वेर। और यही सुन के मैंने अपना स्ट्रीक बनाने का मेथड फॉर्म किया है। सच बताओ तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लॉगिंग में ही सारा टाइम निकल जाना है, मैं कुछ ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है सिर्फ इतनी सी क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए। ऑलमोस्ट आधा दिन मेरा पूरा खत्म हो गया है ब्लॉगिंग को प्लान करने में और ये व्लॉग को रिकॉर्ड करने में। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो यार प्लीज़, मैं कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई एम गोना फेल अगेन। और अगर तुम चाहते हो कि मैं 30-day चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँ तो यार विश मी लक इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट नाउ आई एम डन विथ माई मेडिटेशन, एंड यू नो वॉट, एक बहुत अच्छी चीज़ पता मेडिटेशन की क्या है कि उसका मेडिटेशन का एम होता है कि आपके माइंड के थॉट्स गायब कर दे। पर अगर ऐसा नहीं भी होना कि अगर आपके माइंड के थॉट्स गायब नहीं भी हो रहे हैं, पर जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है ना उसे आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, और जो भी अगर आप सोच रहे हो तो बहुत इंसाइटफुल बन जाता है, वो आपके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। तो वैसे ही अभी के मेडिटेशन में भी हुआ कि मेरा माइंड एकदम से शांत नहीं हुआ, पर जो भी मैं सोच रहा था ना वो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था,
आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि जैसा कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम छोटी मोटी आती रहती हैं पर अपन उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो मेडिटेशन के टाइम पे वो थॉट्स प्रोवोक होते हैं। नेक्स्ट टास्क, वर्कआउट। फाइनली डन विद माय वर्कआउट और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। यहाँ मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि एक सेकेंड ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन ही पूरे दिन भर में होगा। टेस्टिंग फेज है, लेट्स सी जो भी होता है देखा जाएगा। सो आफ्टर डूइंग माय वर्कआउट आई हैड माय लंच एंड टुक अ बाथ, और अब टाइम है रीडिंग करने का। तो मैं अभी एक ये बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, इसको रिकमेंड करा था संदीप महेश्वरी ने, और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आएगी, इसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। और ये 750 पेज की बुक है यार। मैंने जून की स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं इस महीने जून के पूरे महीने में ये बुक पढ़ूंगा, और इस बुक में 23 चैप्टर हैं और मैंने सिर्फ कंप्लीट कर पाए हैं 4, तो अभी भी 20 चैप्टर बाकी हैं यार, 19। सो द 5th चैप्टर इज कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। मैंने इसके बारे में भी पढ़ना तो स्टार्ट नहीं करा, पर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैंने 12th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। एंटरप्रेन्योर की हमारी बुक थी जिसको मैंने एकदम अच्छे से रट ली थी, उसको मेरे को आज भी याद है। उसमें एक पैराग्राफ था, उसमें ये बताया था कि बहुत से एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, एक मार्केट की नीड को फुलफिल करने के लिए नहीं बनाते हैं, इसलिए उनका बिजनेस फेल हो जाता है। मार्केट की नीड को जानने के लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो कि यार जैसे जो शहर में मैं रहता हूँ शहडोल, वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है, इसी रीज़न के कारण यहाँ पे एक भी मॉल नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि एक ईगोइस्टिक एंटरप्रेन्योर आया और बोले कि शहडोल का पहला मॉल अपन बनाएगा, और वो अगर बनाए तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट फेल होने वाला है क्योंकि उसने मार्केट रिसर्च नहीं करी, कोई नीड के बारे में जाना नहीं, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, ईगो मसाज करने के लिए उसने यहाँ पे मॉल खोल दिया और उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गए उसके रेवेन्यू से। रेवेन्यू कम इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं थी, तो इसी कारण से उसका बिजनेस फेल हो सकता है। सो फाइनली डन विथ आज का बुक पढ़ना। तो चलो मैं बताता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। मैंने आज पढ़ा मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के बारे में। इस बुक में 6 स्टेप्स बताए हैं इस मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस के बारे में। पहला है वही क्लीशे सा कि डिफाइन करो कि क्या प्रॉब्लम है, उसका पर्पस क्या है, तुम्हें क्या जानना है, किस लिए कर रहे हो तुम ये रिसर्च। दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च प्लान तैयार करना। इसमें तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम्हारी रिसर्च की अप्रोच क्या होने वाली है, और इसमें 5 अप्रोच बताए हुए हैं। पहला है ऑब्जर्व करना, दूसरा है फोकस ग्रुप क्रिएट करना यहाँ की जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के उनसे तुम बात कर सकते हो, तीसरा है सर्वे यानी एक क्वेश्चनर तैयार करना और अपने कस्टमर से पूछना, चौथा बिहेवियरल डेटा जो डेटा पड़ा हुआ है पहले से लोगों के बिहेवियर के बारे में वो पढ़ना, और पांचवा है एक्सपेरिमेंट। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:50 और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो गया मेरा, आई एम डन। या मैंने बहुत टाइम बाद वर्कआउट करा और मेरी बॉडी में सोरनेस हो रही है। अब ये रूटीन मैंने वापस से स्टार्ट करा है डिसिप्लिन, सो अ लिटिल बिट ऑफ अनकम्फर्ट अनईज इन माई बॉडी, बट स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। लाइक वही है कि अभी तो सिर्फ मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन ही कम्प्लीट करा है, अभी मेरे को मेरा कोर्स करना, स्टार्टअप के बारे में पढ़ना और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना अभी बाकी है। तो जो मैंने सोचा था कि मैं कोर्स 4 घंटे पढ़ने वाला हूँ वो तो नहीं होने वाला क्योंकि मेरे को व्लॉग भी एडिट करना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उसका टाइम घटा दूंगा एंड लेट्स सी थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो ये है मेरा week 2 का असाइनमेंट मेरे डिजिटल मार्केटिंग का, और इसमें मेरे को एक आर्टिकल लिखना है 1000 वर्ड का मार्केटिंग के बारे में जो इनने मेरे को week 2 में सिखाया था। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और देखो ये आर्टिकल मैंने लिखा है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत लिखा है मार्केटिंग के बारे में और जो मैं और लिखने वाला हूँ यार ये सिर्फ यार 402 वर्ड्स ही हुआ है, इसका मतलब कि आर्टिकल करने के लिए मेरे को 1 दिन और लगने वाला है। एंड यार सीरियसली मतलब अभी मैंने लिखना स्टार्ट करा है कुछ जो कॉम्पिटिशन थे उन कारण से, और तब मैंने रियलाइज करा है कि यार मैं बहुत सोच के लिखता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे लिखता हूँ, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लाइक अभी देख सकते हो मैंने 1.5 घंटे में सिर्फ 400 वर्ड्स लिखे हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के काम को बोलते हैं अलविदा और स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टअप का पढ़ना। तो अभी बज रहे हैं 8 PM और अभी मैंने स्टार्टअप वाला जो मेरे को पढ़ना था वो मैंने अभी कंप्लीट करा। मैंने आज फूड पांडा के बिजनेस मॉडल के बारे में जाना और उसका रीज़न क्या था कि वो फेल हुआ उसके बारे में समझा। तो अभी मैंने यूडेमी में थंबनेल के कोई फ्री कोर्सेज हैं कि नहीं वो मैंने देखा, और देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि मेरे को एक थंबनेल का कोर्स इन सब के लिए बनाना चाहिए। मतलब क्या ही है ये, देखो एक ने बिल्ली डाल रखी है बलून के साथ, ये दीदी पता नहीं क्या बोलना चाह रही है, दोस्तों की फ़ोटो डाल दी है एक ने,
एक में ये क्या है और एक इस एक भी टेक्स्ट नहीं है मतलब, और ये देखो इन चाचा को देखो। और ऐसा भी नहीं कि ये सब कोर्सेज फ्री हो, देखो रेट क्या डाल रखा है, 2,000 रुपये, 8,000, 8,500 रुपये, 10,000 रुपये। तो अब मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज देख लिए थंबनेल बनाने के ऊपर, पर मेरे को कोई भी एक ढंग का कोर्स नहीं दिखा। तो अब मेरे को लग रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका थंबनेल बनाने का ये है कि यूट्यूब खोलो और लोगों के थंबनेल ऑब्जर्व करो। हाँ क्या क्या करना बता है? क्या हुआ, क्या देखना है? वही क्या, कौन सी पैंडा? बाबू पर आज तो बहुत काम है। अरे क्या हुआ, थोड़ा सा चलो चलो चलो, मैं आधे एक घंटे काम कर लेता हूँ फिर तक बुलाता हूँ, ठीक है? अरे अरे मैं भूल ही गया था कि मैं रोज़ रात को आजकल अपने छोटे भाई के साथ कुंफू पांडा देख रहा हूँ अमेज़न प्राइम में। तो वही पहले हमने डिसाइड करा था कि हम लोग सिर्फ संडे टू संडे देखेंगे, फिर हो गया कि थर्सडे और संडे देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को इतना अच्छा लगने लगा कि हम रोज़ रात को देखने लगे। तो वही पहले तो मैं उसको बुलाया करता था कि आजा देख ले, पर अब वो आ जाता है मेरे पास और बोलता है कि भाई कुंफू पांडा देखते हैं। और मेरे को भी लगता है कि अब मेरे को यार ये भी अपने शेड्यूल में डाल देना चाहिए कि दिन का आधा या एक घंटा मैं अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करूं, बिकॉज आई थिंक फैमिली टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नहीं, पर मैं नहीं लड़ता, मतलब आज खाना भी नहीं मिल